जिसमें हमारे बड़े भैया ने बड़ा मजबूत गीत दिया है। और क्या, बहुत मजबूत लोहा लाठ कहिए उसको। जानकी भैया, बड़ा अच्छा प्रयास आपने पहले चक्र में किया है, और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ ये जनमानस जो भी उपस्थित है भैया लोग, ये स्वयं में एक सक्षम कलाकार हैं। बिल्कुल बेटे, और प्रबुद्ध जनमानस के बीच में कोई बात यो कहना कि नई बात है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अब कोई बात नई बची ही नहीं है। ना बेटा ना, अब तो नई बात का इंतजार हो रहा है कि कोई नई बात बने। और क्या कारण, पुस्तकों के माध्यम से लोग पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन एक ऐसा जीव चल रहा है जो हमेशा सबके साथ में है। ये इंटरनेट रूपी जीव है, अजीब जीव, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। भले ही लोग पुस्तक पढ़ने का टाइम ना मिले, लेकिन तुरंत मोबाइल में जरूर टाइम मिलेगा। और ऐसी कोई बात नहीं बच रही है जो मोबाइलों में नहीं मिल पा रही हो, बस खोजने वाली बात है। और क्या, कौन क्या खोज रहा है, खोजते रहिए। आपने एक शेर पढ़ा, रोता तो आसमान भी है धरती के लिए, लेकिन लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। जरा सुनिएगा, हम लोग गलती पे गलती कर रहे हैं। कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, तो अपनी अपनी समझ है जनाब, ये तो अपनी अपनी समझ है जनाब। अरे कोई तो कार, कोई कोरा कागज समझ लेता है, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। ये आपने बहुत बढ़िया दिया है, बहुत अच्छा बेटे। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है क्या बेटे, जैसा कि फिल्मी दुनिया वालों ने भी कहा है क्या, बड़ी अच्छी बात लगी, जरा सुनेगा। सुनिए, ये हमारे आदरणीय श्री दादा महेंद्र निषाद जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं पुष्पमाल आपने भेंट किया है, नमन कर रही हूँ। और ये जय बजरंग मानस समिति नैनी प्रयागराज से सम्मानी हमारे अध्यक्ष भैया मनोज कुमार साहू जी, बड़े भैया हमारे महामंत्री श्यामू तिवारी जी, आपके कर कमलों से 201 मेरे लिए हैं, और 101 हमारे चचा जो कोरस पर संगत कर रहे हैं। क्या बात है भैया,
शुक्रगुजार हैं आपके हम कि इस उम्र में आप लोग मेरी इज्जत बनाए हुए हैं, नहीं बनना लड़के कहाँ जीने दे रहे हैं हमको। सुंदर होते हैं, कुछ अति सुंदर होते हैं, और आपका गीत उसी श्रेणी में है, अति सुंदर। बढ़िया प्रयास आपने, पहला मोर मोरनी आपने सेरंती और सत्यदेव की कथा बताई, फिर आपने भोलेनाथ और माता भवानी की कथा बताई, जय हो, यानी तन परिवर्तन करके मोर मोरनी को लाने का प्रयास किया है। अब कोई पक्षी हमको भी लाना पड़ेगा, और क्या बेटे, पक्षी आपने मोर मोरनी दो पक्षी लिए हैं, बिल्कुल बेटे, भले दो पक्षी हो या एक पक्षी हो, लेकिन पक्षी हो, विपक्षी ना हो। हाँ सही, विपक्षी नहीं होना चाहिए, समकक्षी हो, पक्ष दर पक्षी ही होना चाहिए, और क्या। चलिए, चूंकि भगवान मोर पक्ष धारण किए हैं, किसी ने सवाल किया कि भगवान आपने मोर पक्ष धारण क्यों किया, बोले हम किसी और का पक्ष धारण करते तो लोग कहते वो तो उनका पक्ष धारण किए हैं, उनका पक्ष धारण किए हैं, तो बोले मोर से, बोले ये सीधा सा आसान तरीका, जो भी कहेगा वो यही कहेगा कि मोर पक्षधारी है। क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे, ये दिल मांगे मोर। लेकिन क्या बात है, जय हो, फिर से जय बजरंग मानस शक्ति। नैनी प्रयाग से अध्यक्ष हमारे भैया मनोज कुमार साहू जी, महामंत्री हमारे श्यामू तिवारी जी, आपके कर कमलों से हमारे चचा के लिए 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद भैया आपका। भैया हमारे अरुण कुमार निषाद जी करेला बाग प्रयागराज, और आपके कर कमलों से ये 51 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं, नमन कर रही हूँ, और आपने कहा आपके रचनाकार को भी 51 पद मुद्राएं हैं, खड़े हो जाइए रचनाकार, ला बेटा हम देते, तुम दूर पड़ रही हो। महाराज के लिए हमारे सामान्य पंकज महाराज जी के लिए पुष्पमाल और 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, महाराज खड़े होकर के स्वीकार करें। एक बार चौचार तालियां, ये हमारे सम्मान्य श्री जय सरदेव कमेटी से की तरफ से वाल्मीकि निषाद जी एनसी उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे 101 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं, भैया को नमन है। आइए कुछ बन जाए भैया, जानकी रमण जी कोई पक्षी मिल जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है, वैसे पक्षी तो बहुत हैं, लेकिन आ जाए कथानक के माध्यम से तो और क्या। मिलता है कौन सा बेटे, आदरणीय
जानकी रमन जी, आपने भगवान को भोलेनाथ और माता भवानी को मोर मोरनी के रूप में दिखाया है। हाँ। मैं उनके गणों की तरफ चल रही हूँ। ये मोर मोरनी बने हैं तो उनके दो गण हैं, वो क्या बने हैं और आज भी अगर मौजूद मिल जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है, सुनिएगा। अरे सुनो सतयुग पढ़े तो उसमें और समय अधिक लगेगा। और आज से ज्यादा समय मुझे वैसे भी लग सकता है क्योंकि मुझे एक गीत एक्स्ट्रा गाना है, यानी आपका बंधन गीत और सवाल गीत हुआ, मेरी तरफ से बंधन गीत, जवाब गीत और फिर सवाल गीत होगा, इसलिए मैं सीधे आपको जवाब की ओर जोड़ते हुए चल रही हूँ, भैया सुनेगा। ग्रंथों से पाया सुंदर विवरण है, लौटे क्या बात ये है आशीर्वाद, ये सामान्य हमारे दादाजी के कर कमलों से पुष्पमाल 51 पद्मोद्राएं भेंट किए हैं, नमन कर रही हूँ, कोटि कोटि नमन है मेरी ओर से, सुनेगा। और क्या बेटे, बिल्कुल सच्चा आशीर्वाद बेटा, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, विजयी भव। सुनो सतयुग का प्रथम चरण है, ग्रंथों से पाया ऐसा विवरण है, मेरी नजर में विलक्षण वो छड़े है, करे इरशादो शंकर के गड़े है। एक दिन भोलेनाथ शायद काल नृत्य करने लगे और नृत्य कर रहे थे, वही भोलेनाथ के दो गण खड़े हुए थे, आपस में पता नहीं किसी ईर्ष्या भाव से कुरु कुरु कर रहे हैं। अब भोलेनाथ ने जैसे ही देखा कि आपस में कुरु कुरु कर रहे हैं, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि जाओ, ज्यादा कुरु कुरु करने का शौक है तो भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, वो दोनों गण जाकर के कबूतर बन गए। जाओ कबूतर बन जाओ, सुनेगा सुनिए। दोनों गणों ने आप तनि परिवर्तन करके पक्षी का रूप लाने का प्रयास किया है तो सुनेगा सुने। दोनों गणों ने किया पाप ऐसा कि बने वो कबूतर श्राप पशुपति। आज भी जो लोग यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए गए होंगे, अमरनाथ के दर्शन किए होंगे, उन लोगों ने देखा होगा और जो नहीं गए उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा पे दो कबूतर आज भी मौजूद हैं। तो वो दोनों कबूतर वही गण है भगवान भोलेनाथ के, सुनेगा सुने। तो भक्ति भाव से तुम सुनिए कथा को, सुंदर कथन ये सियो भगवती, क्योंकि उन्हें दो कबूतरों ने जब एक कथानक और मिलता है, भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई थी तो उन्होंने वो कथा श्रवण कर ली थी, इसलिए वो आज भी अमर हैं। क्या बात है, दोनों गणों ने प्रभु
बने वो कबूतर भैया बड़ी मुश्किल में डाल दिया। और क्या दूसरा कबूतर किसको बनाया जाए? बनाओ बेटा, किसी जादूगर को बुलाना पड़ेगा। और मिल रहा है बड़े भैया सुनिएगा, महाभारत नीति पर्व में एक कथा आती है और श्रीमद् भागवत में भी ये कथा ना आपने सुनी होगी पढ़ी होगी। राजा शिवी जिनके सत्य धर्म और दान की कथाएं अक्सर स्वर्ग में भी देवता सुनाया करते हैं। और जब उनके सत्य कर्म की धर्म की इतनी कथा सुनी चर्चा सुनी तो इंद्रदेव ने कहा कि वाकई ये इतने सत्यवादी है, वाकई ये दानी है, तो इनकी परीक्षा ली जाए। सुनेगा अग्निदेव कबूतर बन जाते हैं और इंद्र बाज बन के उनके पीछे चले जाते हैं। सुनेगा सुने चले आज लेने शिवी की परीक्षा अग्नि सुरपति के जागी थी इच्छा। अग्निदेव और सुरपति इंद्र के मन में इच्छा जागी और जब चल दिए तो पड़े आज पीछे सुनो बाज बन पर और न कोई वो स्वयं थे पुरंदर। स्वयं इंद्रदेव और जाकर के कबूतर राजा शिवी की गोद में गिर पड़ता है। कहते महाराज मेरे पीछे बाज लगा है, आप मेरी रक्षा करें। और क्या मेरी रक्षा करें तब तक वो बाज पहुंच जाता है। कहते महाराज अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और ज्यादा शिकार कर नहीं सकता हूँ, इसलिए आप मेरे भोजन को ना छीने। कबूतर कहता मेरी रक्षा करे, बाज कहता मेरा भोजन ना छीने। अब राजा बड़े दुविधा में पड़ गए, लेकिन ये मनुष्य जैसी वाणी बोल रहे हैं, कोई दिव्य प्राणी ही होंगे। राजा सी भी सोच रहे कोई दिव्य प्राणी है, ना जाने किस राम बस से ये कबूतर बना है, ये बाज बना है, तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और उसका आहार भी ना छीना जाए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब राजा सिवी ने कहा कि तुम्हारी भूख मिट जाए और तुम्हारी रक्षा हो जाए, इसलिए मैं स्वयं अपने दह का दान कर देता हूँ। अपने दह का मांस महाराज सिवी ने खिलाया। सुनेगा सुनिए कहे कहे अग्नि शिव से करो मेरी रक्षा, कहे अग्नि शिवी से करो मेरी रक्षा, बने जो कबूतर खेल सुरपति का। यहाँ पशुपति का तो यहाँ खेल सुरपति इंद्र का है। सुनेगा सुनिए भक्ति भाव से तो सुनिए कथा को, सुंदर कथन नमन कर रही हूँ। और भी लाया जा सकता है बड़े भैया, लेकिन सोच रही हूँ।